इस समय हमारे सभी विद्यार्थी YouTube के लर निजी चैनल पर हैं। मैं अपने सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे विद्यार्थियों को मालूम है कि इस समय सेंटेंस में उनका सिंपल सेंटेंस जो है ख़त्म हुआ है और इसके बाद हमने जो है कंपाउंड सेंटेंस जो है समाप्त किया है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, अब जो है आज उनके सामने जो है मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात करूंगा। इसमें सबसे ज़्यादा प्रकार जो है सिंपल सेंटेंस के थे, जो है सिंपल सेंटेंस के जो है 5 प्रकार थे, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये विद्यार्थियों ने जो है अपने पिछले वीडियो में पढ़ा। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में भी उनको बताया गया कि कंपाउंड सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है कि एक प्रिंसिपल क्लाज और एक कोऑर्डिनेट क्लाज जब मिलते हैं तो ये दोनों क्लाज मिलकर जो है कंपाउंड सेंटेंस की रचना करते हैं। जो है सेंटेंस का जो है चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, मैं विद्यार्थियों को जो है बताना चाहूँगा कि अगर उनको जो है सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना आता है तो उनको जो है कई चैप्टर में जो है मदद मिलती है। जैसे जब वो ट्रांसलेशन का जो है जब चैप्टर पढ़ेंगे तो जब कभी भी जो है बच्चा अनुवाद हल करता है, ट्रांसलेशन जो है करते हैं, तो उनको जो है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ट्रांसलेशन अच्छा करने के लिए जो है बच्चों को जो है 4 चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। विद्यार्थी पूछेंगे गुरुजी कौन कौन से वह चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब आप हिंदी वाक्य का अनुवाद जो है अंग्रेजी में करते हैं तो पहली ये चीज़ होती है कि जब कभी भी जो है पैसेज पढ़िए जो है तो पैसेज पढ़ते ही जो है बच्चों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस पैसेज में जो है जितने भी हिंदी वाक्य जो है यूज किए गए हैं वो जो है किस टेंस के हैं, जो है यानी कि उनको जो है टेंस की जो है रिकॉग्निशन जो है होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, यदि बच्चों को जो है टेंस पता लग जाता है तो दूसरा स्टेप उनका जो है सेंटेंस पहचानना, जो इसमें चल रहा है कि हमारा हिंदी का वाक्य जो है सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यदि बच्चा जो है सेंटेंस जो है रिकॉग्नाइज कर जाता है तो तीसरा स्टेप आता है जो है कि फार्मूला क्या लगना है। मान लीजिए कोई हिंदी वाक्य लिखा गया है कि वह ऑफिस जाता है, तो बच्चा जो है इस हिंदी वाक्य को जो है पहचान के बताएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, यानी कि इसमें दो चीज़ें आ गई, टेंस उसने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सेंटेंस बताया कि अफर्मेटिव। अब बच्चों को जो है तीसरे स्टेप पे क्या होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का फार्मूला उनको आना चाहिए। अगर फार्मूला उनके ध्यान में है तो जो चौथा स्टेप है अंतिम, बच्चा जो है हिंदी वाक्य की जो है एनालिसिस करता है, विश्लेषण जिसको बोलते हैं, उसमें बच्चा जो है ये पता करता है क्योंकि एक हिंदी का वाक्य रहेगा तो उसमें कई शब्द रहेंगे, हिंदी का कौन सा शब्द जो है सब्जेक्ट है, कौन सा शब्द जो है हेल्पिंग वर्ब में आता है, कौन सा शब्द जो है मेन वर्ब में आएगा, कौन सा जो है ऑब्जेक्ट में आएगा और कौन सा जो है कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ये विद्यार्थियों को जो है जानना पड़ता है। जब ये 4 चीज़ें जो है उनकी मजबूत रहती हैं जो है तब बच्चा जाके अनुवाद करता है। तो हमारी जो है 4 चीज़ों में कौन कौन सी, पहला टेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा जो है फार्मूला और चौथा जो है आपको जो है वाक्य की जो है एनालिसिस जो है आनी चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर मजबूत है तो हमारा कोई विद्यार्थी नहीं कह सकता है कि गुरुजी हमारा अनुवाद कमज़ोर है। तो सेंटेंस का जो तीसरा प्रकार है जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आज आपके सामने लिखा गया, ये तीसरा प्रकार है। इसके पहले हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समाप्त किया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा गया है कि एक प्रिंसिपल क्लाज रहता है और इसके साथ जो है एक या एक से अधिक जो है सबॉर्डिनेट क्लाज आते हैं। इसके पहले के वीडियो में बच्चों को प्रिंसिपल क्लाज के बारे में तो पता है, प्रिंसिपल क्लाज के बारे में जो है उनको बताया गया कि ऐसा क्लाज जो अपने आप में जो है कंप्लीट अर्थ रखता है, ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लाज पर डिपेंड नहीं होता है, वो जो है प्रिंसिपल क्लाज होता है। प्रिंसिपल क्लाज को जो है पहचानते कैसे हैं, विद्यार्थियों को जो है ये बताया गया उसके रिकॉग्निशन के लिए कि प्रिंसिपल क्लाज के पहले
किसी कंजक्शन का प्रयोग जो है कभी नहीं मिलता है। अब जो दूसरा जो है क्लाज, आगे लिखा गया कि एक से अधिक, एक या एक से अधिक जो है सबॉर्डिनेट क्लाज भी आ सकते हैं। तो सबॉर्डिनेट क्लाज की हिंदी क्या होती है, जो है आश्रित उपवाक्य। विद्यार्थी ध्यान देंगे, आश्रित उपवाक्य। आश्रित का मतलब क्या होता है, किसी के सहारे रहना, किसी के जो है भरोसे रहना। जैसी इसकी मीनिंग है उसी तरह से जो है इसकी डिफिनेशन भी है। विद्यार्थी जो है सबॉर्डिनेट क्लाज जानना चाहेंगे कि सबॉर्डिनेट क्लाज गुरुजी क्या होता है, आश्रित उपवाक क्या होता है। ऐसा क्लाज जो अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, बल्कि अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लाज पर डिपेंड रहता है, वो जो होता है जो है सबॉर्डिनेट क्लाज होता है। अच्छा, विद्यार्थियों को जो है एक क्वेश्चन जो है विद्यार्थी जो है अपने टीचर से और करते हैं कि सर आपने जो है प्रिंसिपल क्लाज जो है पहचानने का जो है तरीका तो बता दिया, प्रिंसिपल क्लाज जो है पहचानने की ट्रिक तो बता दिया कि प्रिंसिपल क्लाज के पहले जो है किसी कंजक्शन का यूज नहीं होता है, लेकिन सबॉर्डिनेट क्लाज को हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो क्लाज जो है सबॉर्डिनेट क्लाज है। तो अगर किसी बड़े सेंटेंस में जो है प्रिंसिपल क्लाज और सबॉर्डिनेट क्लाज आया है, तो सबॉर्डिनेट क्लाज पहचानने का एक तरीका है कि सबॉर्डिनेट क्लाज के पहले जो है सबॉर्डिनेट का कोई कंजक्शन जो है लगा रहता है, यानी कि हमारे विद्यार्थियों को सबॉर्डिनेट का कंजक्शन जो है याद करना होगा, तब उनको पता लगेगा जो है कि सबॉर्डिनेट क्लाज कौन है। अगर ये कंजक्शन जो है उनको नहीं याद है या नहीं याद कर पाते हैं, तब जो है उनको सबॉर्डिनेट क्लाज पहचानने में जो है परेशानी हो सकती है, क्योंकि कुछ जानने के लिए, कुछ जानकारी जो है प्राप्त करने के लिए जो है मेहनत की जरूरत पड़ती है, और पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज़ है जो है जिसमें मेहनत की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा चलिए, जो है ये तो क्लियर हुआ जो है कि सबॉर्डिनेट क्लाज पहचानने के लिए जो है हमारे विद्यार्थियों को जो है सबॉर्डिनेट का कंजक्शन जो है याद रखना पड़ेगा। जिस तरह से जो है कोऑर्डिनेट के कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में बताए गए, उसी तरह से जो है सबॉर्डिनेट के भी कंजक्शन होते हैं। एक एग्जाम्पल जो है सामने विद्यार्थियों को दिया गया है, अब ये देख के जो है पता करना है जो है कि हमारा वाक्य जो है कैसा है। वाक्य जो है पूरे ग्रामर में तीन ही प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा गया है कि एक प्रिंसिपल क्लाज आएगा और उसके साथ एक या एक से अधिक जो है सबॉर्डिनेट क्लाज जो है हो सकते हैं। समीर सेड दैट, समीर ने कहा कि ही हैड बीन रीडिंग नॉवेल इन माई ड्राइंग रूम। वो मेरे अध्ययन कक्ष में उपन्यास पढ़ रहा है। यह वाक्य जो है लिखा गया है, इस बड़े वाक्य में जब विद्यार्थी चेक करेंगे तो उनको जो है दो क्लाज जो है दिखाई देगा। क्लाज के बारे में पहले ही बता दिया गया कि शब्दों का समूह होता है, और इसका जो है पूर्ण अर्थ निकलता भी है और क्लाज का कभी कभी जो है पूर्ण अर्थ नहीं भी निकलता है। और क्लाज के विषय में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताई गई वो ये है कि सेंटेंस जो है किसी स्टेटमेंट का हिस्सा कभी नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है। लेकिन क्लाज क्या होता है कि किसी बड़े वाक्य का जो है एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो है बड़ा वाक्य लिखा गया है जो है, अब इसमें देखा जाए कि क्लाज कितने आए हैं। क्लाज इसमें जो है पहला है कि समीर सेड, और दूसरा क्लाज क्या है जो है ही हैड बीन रीडिंग नॉवेल इन माई ड्राइंग रूम। ये जो है दूसरा क्लाज है। दोनों क्लाज का जो है नाम पता कर लिया जाए। अब तक जो है विद्यार्थी जो है तीन प्रकार के क्लाज जान चुके हैं, पहला प्रिंसिपल क्लाज, दूसरा जो है कोऑर्डिनेट क्लाज, तीसरा जो है सबॉर्डिनेट क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज के बारे में बताया गया, कोऑर्डिनेट क्लाज के बारे में बताया गया, सबॉर्डिनेट क्लाज के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे जो है जो पहला क्लाज है इसके पहले किसी कंजक्शन का यूज नहीं है। सीधी सीधी बात है जो है कि इसको जो है किस में दिखाएंगे, जो है पीसी में दिखाएंगे। और ही हैड बीन रीडिंग नॉवेल इन माई ड्राइंग रूम, इसके पहले जो है सबॉर्डिनेट का कंजक्शन दिया गया है। तो मैं विद्यार्थियों को जानकारी करा दूं कि जिस क्लाज के पहले जो है सबॉर्डिनेट का कंजक्शन यदि लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से जो है पूरा क्लाज जो है क्या हो जाएगा, सबॉर्डिनेट क्लाज हो जाएगा। यानी कि दैट से लेके पूरा लास्ट तक ये जो है क्या है, जो है यस्सी है, सबॉर्डिनेट क्लाज है। अब
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज, एक से अधिक भी सबॉर्डिनेट क्लॉज आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक पीसी हुआ और एक जो है सबॉर्डिनेट क्लॉज हुआ, जब ये जुड़ेंगे तो किसकी रचना करेंगे, जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करेंगे। आइए जो है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि व्हेन आई रीड एट होम कॉमा इट वॉज रेनिंग। विद्यार्थी जो है दूसरे एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। दूसरा एग्जाम्पल जो है उनके सामने जो है लिखा गया है। अब विद्यार्थियों को जो है ये देख के बताना है जो है कि हमारा वाक्य जो है सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक ही क्लॉज आता है, उसका नाम पीसी होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। लेकिन इस बड़े वाक्य में जो है एक क्लॉज तो है नहीं, इसमें जो है दो क्लॉज आए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कि व्हेन आई रीच्ड एट होम, और दूसरा क्लॉज है जो है कि इट वॉज रेनिंग। दो क्लॉज से मिलकर ये पूरा सेंटेंस बना है। तो इंग्लिश ग्रामर में जो है दो ही सेंटेंस ऐसे होते हैं जो है जिसमें दो क्लॉज आते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस पहचानने के लिए विद्यार्थियों को कोऑर्डिनेट का कंजक्शन याद करना पड़ता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने के लिए विद्यार्थियों को सबॉर्डिनेट का कंजक्शन याद करना पड़ता है। अगर ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो निश्चित रूप से इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज आया होगा और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज आया होगा। पहले जो है ये पता कर लिया जाए, बच्चे जो है कंपाउंड सेंटेंस पढ़ चुके हैं, कंपाउंड सेंटेंस में जो है कोऑर्डिनेट का कंजक्शन भी पढ़ चुके हैं। क्या इसमें जो है कोऑर्डिनेट का कोई कंजक्शन दिखाई दे रहा है क्या? विद्यार्थी कहेंगे कि नहीं, इसमें जो है कोऑर्डिनेट का कंजक्शन कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो ये दूसरा क्लॉज लिखा गया है कि इट वॉज रेनिंग, इसके पहले जो है किसी कंजक्शन का यूज नहीं है। तो पीसी प्रिंसिपल क्लॉज को पहचानने की हमने ट्रिक बताई थी कि ऐसा क्लॉज जिसके पहले किसी कंजक्शन का यूज नहीं हो वो जो है किस में आ जाएगा, जो है पीसी में आ जाएगा। और आई रीड एट होम, इसके पहले जो है व्हेन जो कि सबॉर्डिनेट का कंजक्शन है ये लगा हुआ है, तो ये जो है पूरा क्लॉज क्या हो जाएगा, एससी हो जाएगा। जब एक पीसी और एक एससी मिलेंगे तो एक इसकी रचना करेंगे, जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब विद्यार्थियों को जो है ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सबॉर्डिनेट क्लॉज की जो परिभाषा थी कि सबॉर्डिनेट क्लॉज हुआ क्लॉज होता है जो अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, बल्कि अपने अर्थ को पूरा करने के लिए वो किसी दूसरे क्लॉज पर जो है डिपेंड रहता है। तो आइए जो है अर्थ निकाल के जरा देखा जाए कि क्या सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, वास्तव में ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहता है। व्हेन आई रीच्ड एट होम, जिसका अर्थ ये हुआ जब मैं घर पर पहुंचा। अब इसको जो है मान लीजिए हटा दिया जाए कि इट वॉज रेनिंग। व्हेन आई रीच्ड एट होम, बस इतना कहा जाए कि जब मैं घर पर पहुंचा तो उसके बाद क्या हुआ ये हमें मालूम नहीं है। यानी कि सीधी सी बात है कि जब तक इसके आगे हम जो है कोई क्लॉज लिखेंगे नहीं, इस क्लॉज का अर्थ जो है कंप्लीट नहीं होगा। जबकि विद्यार्थियों को पता है कि यहाँ पे जो है लिखा गया था जो है कि इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। अब इसका अर्थ जो है पूरा हो गया, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज की जो परिभाषा में बताया गया कि सबॉर्डिनेट क्लॉज अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए जो है दूसरे क्लॉज पर जो है डिपेंड रहता है। क्योंकि जब हमने कहा कि व्हेन आई रीच्ड एट होम, जब मैं घर पर पहुंचा, तो हमने इस क्लॉज को हटा दिया था, आगे क्या घटना हुई हमको मालूम नहीं है। यानी कि ये क्लॉज जो है अपने आप में जो है पूर्ण अर्थ नहीं रख पा रहा था, जब हमने इसके आगे जो है दूसरे क्लॉज को रख दिया
तब जाके जो है इसका अर्थ जो है कंप्लीट हुआ। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज अपने अर्थ के अनुसार ही जो है उसकी डिफिनेशन होती है। तो जब भी जो है विद्यार्थियों को पहचानना हो तो डिफिनेशन पर उनका ध्यान जो है जरूर जाना चाहिए कि किस तरह से जो है सबॉर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा और किस तरह से जो है पीसी हो जाएगा। अब विद्यार्थियों को एक जानकारी और दे दूं कि ये सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है कितने प्रकार के होते हैं, उनको ध्यान होना चाहिए। विद्यार्थी जो है नोट करेंगे, सबॉर्डिनेट क्लॉज इनके जो है कितने प्रकार होते हैं। मैं बताऊंगा कि सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है नाउन क्लॉज है, दूसरा जो है एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। यह जो है सबॉर्डिनेट क्लॉज के जो है प्रकार होते हैं। नाउन क्लॉज की हिंदी होती है जो है संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। एडजेक्टिव क्लॉज की हिंदी होती है जो है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य और एडवर्ब क्लॉज की हिंदी होती है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये इसकी हिंदी होती है। अब जो है विद्यार्थी पूछना चाहेंगे कि नाउन क्लॉज जो है किसको कहा जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज जो है किसको कहा जाता है और एडवर्ब क्लॉज जो है किसको कहा जाता है, ये विद्यार्थी जो है पूछना चाहेंगे। नाउन का मीन्स क्या होता है, संज्ञा क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। तो नाउन क्लॉज की जो है डिफिनेशन में ये बताया जाएगा कि शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भी बड़े वाक्य में जो है नाउन का कार्य करे जो है वो जो है नाउन क्लॉज होता है। एडजेक्टिव क्लॉज जिसकी हिंदी होती है जो है विशेषण उपवाक्य, इसकी डिफिनेशन में क्या कहा जाता है, इसकी परिभाषा में क्या कहा जाता है, शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भी बड़े वाक्य में जो है एडजेक्टिव का काम करता है, विशेषण का काम करता है, वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। और इसी तरह से जो है एडवर्ब क्लॉज की भी परिभाषा है कि शब्दों का ऐसा समूह जो बड़े वाक्य में जो है एडवर्ब का काम करे वो जो है होता है जो है एडवर्ब क्लॉज होता है। अब विद्यार्थियों का अगला क्वेश्चन होता है कि गुरु जी मान लीजिए कि किसी बड़े वाक्य में सबॉर्डिनेट क्लॉज आ जाए, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज आपने जो है तीन प्रकार का बताया कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अगर कोई हम लोगों से ये क्वेश्चन करे कि सबॉर्डिनेट क्लॉज में ये कौन सा है, तो इसको जो है पहचानने का जो है मेन जो है ट्रिक क्या होती है, तो नाउन क्लॉज जो है जब अर्थ निकालेंगे तो ये हमेशा जो है ककारवाचक होते हैं, और जबकि एडजेक्टिव क्लॉज जो है एडवर्ब क्लॉज जो है जब इनकी मीनिंग निकालेंगे तो ये हमेशा जो है जकारवाचक होते हैं। इनसे जो है इनकी रिकग्निशन जो है हो जाती है, इनकी पहचान हो जाती है कि वाक्य में अगर कोई क्लॉज सबॉर्डिनेट है तो सबॉर्डिनेट में जो है ये किस में आएगा, नाउन क्लॉज में आएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज में आएगा कि एडवर्ब क्लॉज में आएगा। अब मैं अपने विद्यार्थियों को अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो है सामने रखूंगा जिसमें जो है विद्यार्थियों को ये बताऊंगा कि कैसे सबॉर्डिनेट क्लॉज में जो है फला जो है स्टेटमेंट जो है नाउन क्लॉज हो जाता है, कैसे जो है बड़े वाक्य में जो है एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है और कैसे जो है एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। ये मैं अपने विद्यार्थियों को जो है अगले वीडियो में बताऊंगा, और मेरा अपने विद्यार्थियों के लिए हमेशा ये प्रयास रहेगा कि मैं उन्हें चीज़ों को जो है अच्छी तरह से समझा पाऊँ। धन्यवाद।